जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको आपकी यूट्यूब चैनल अनुप रॉय रॉय डिफेंस अकेडमी में। आज हम आपको आर्मी ऑफ डिबेट का सेट 18 का मैथ्स का ऑब्वियस पेपर कराएंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन में, x बटा 2 माइनस x बटा 3 इक्वल टू 4, तो x का मान क्या है? तो x बटा 2 माइनस x बटा 3 इक्वल टू 4 अगर ऐसे देते हैं तो ऐसी चीज में हमने क्या करना है, इसमें एलसीएम करना है। ये दोनों में अगर एलसीएम करेंगे तो होगा 6, 6 को 2 से भाग करेंगे तो 3 होगा, 3 को फिर जो भी भागफल होगा उसको x के साथ गुणा करेंगे तो 3x, माइनस इसके साथ 2 होगा तो ये 2x इक्वल टू 4। तो हम इसको माइनस करेंगे तो x बाय 6 इक्वल टू 4 होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से होगा x इक्वल टू 24, इसका मान है x इक्वल टू 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है किसी ऋणात्मक पूर्णों का पूर्णांक का वर्ग क्या है। पूर्णांक संख्या वो होता है जो 2 4 6 कोई भी संख्या जो भी पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है, मतलब 2 है 4 है 6 है, अगर ऋणात्मक है तो -2 -4 -6 ये ऋणात्मक संख्या है। अगर इनकी वर्ग क्या होगा, अगर -2 का अगर हम वर्ग किया जाए तो -2 -2 गुनाएंगे तो +4 होगा, -2 के साथ -2 गुना करें यानी कि वो हमेशा धनात्मक होगा। ऋणात्मक दो संख्या का जो वर्ग होगा वो हमेशा धनात्मक होगा। दूसरा क्वेश्चन है एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल वाला है, इसकी ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर है और आधार 5 सेंटीमीटर, तो इसकी क्षेत्रफल क्या होगा, पूछा क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल होगा क्षेत्रफल इक्वल टू हाफ इनटू आधार गुना ऊंचाई, हाफ इनटू आधार गुना ऊंचाई यानी कि हाफ इनटू आधार 5 है और ऊंचाई 8 है, इसके साथ इसको काटेंगे तो 4 होगा, तो 4 पता है 20 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल मतलब एरिया, एरिया इक्वल टू क्षेत्रफल इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर है तो इसका त्रिज्या क्या होगा, यानी कि ये सर्कल है और केंद्र से परिधि तक जो रेखा जाती है उसको त्रिज्या कहते हैं यानी कि आर, तो वृत्त का क्षेत्रफल बता दें, क्षेत्रफल तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर कितना बोल दिया 154 मीटर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मतलब होता है 154 मीटर स्क्वायर, यानी कि हमें आर का मान निकालने के लिए पाई मतलब होता है 22/7 इनटू आर स्क्वायर इक्वल टू 154। अगर हम इस 22 के साथ इसको अगर काटे तो 11 से अगर काटे तो 11 × 22 ये 11 से काटेगा तो 11 के 11 और ये 4 होता है 14, फिर इसके साथ इसको काटेंगे तो 7 यानी कि आर स्क्वायर बाय 7 इक्वल टू 7, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर काट देंगे तो आर इक्वल टू हो जाएगा 7, यानी कि इसको पूछा त्रिज्या क्या है तो त्रिज्या होगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल दोनों ज्ञात करो, यानी कि परिधि और क्षेत्रफल दोनों ज्ञात करो ये पूछा गया है। ये सर्कल है, ये सर्कल का जो व्यास होता है पूरे इसको डायमीटर बोलते हैं, तो डायमीटर अगर 42 सेंटीमीटर होगा तो व्यासार्ध जो है रेडियस इसका 21 और 21 होगा, 21 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, यानी कि अगर हम इसका परिधि निकालना है, वित्त की परिधि, तो फॉर्मूला है 2πr, यानी कि 2 इंटू पाई मतलब 22/7 इंटू आर मतलब 21, अगर इसके साथ अगर हमने इसको गुणा करेंगे 21 3×7 = 3 है, तो 3×6 इंटू 22 यानी कि 6×12 2 हाथ गया और 6×12 कितना 132। और अगला पूछा गया क्षेत्रफल क्या है, तो यानी कि क्षेत्रफल इक्वल टू वृत्त का जो क्षेत्रफल है
यानी कि पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मतलब होता है पाई मतलब 22 बटा 7 इंटू आर स्क्वायर, आर 21 है, 21 इंटू 21। तो हम इसको यहां से काटेंगे तो 3 सत्य 3 होता है, तो इसको करेंगे तो 22 इंटू 3 के 3 और 3 दो 6 63। 22 को 63 के साथ गुना करना है, 22 63 गुना करने से होता है 1686 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, यानी कि एक होगा 132, परिधि होगा 132 और ये होगा 1386, यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन है। ए बी और सी तीनों एक कार्य को 10 दिन में करता है तथा ए और सी उस कार्य को 15 दिन में करते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा? तो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे ए बी और सी तीनों मिलकर एक कार्य को 10 दिन में करता है और ए प्लस सी उस कार्य को 15 दिन में करता है, तो हमें एक चीज कॉमन लेना है, तो दोनों से भाग हो सकता है, यानी कि इसका एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम होगा 30। 30 मतलब इससे 10 को 30 से भाग करेंगे 3 होगा, 15 को 30 से भाग करेंगे 2 होगा। अभी पूछा गया है ये तीनों मिलकर 3 यूनिट काम पर डे करता है और ये दोनों 2 यूनिट का काम हर रोज करते हैं, तो हमने क्या करना, बी अकेला कितना दिन करता है, यानी कि ए बी सी से ए सी माइनस करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी से हमने ए प्लस सी माइनस करेंगे, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस सी, तो रह जाता है सी और ए दोनों काट देंगे तो रह जाता है बी। तो इधर भी 3 दिन से 1 दिन माइनस करेंगे तो 1 दिन ही बचता है, यानी कि एक यूनिट काम, एक यूनिट काम मतलब बी अकेला करता है, बी अकेला एक यूनिट काम करता है और ये टोटल काम को जाहिर करता है, ये टोटल काम 30 है एक दिन में करता है, तो टोटल कुल 30 दिनों में काम को पूरा करता है अगर बी अकेला इस काम को करना चाहे। कमरे की चौड़ाई 6 मीटर, लंबाई 10 मीटर, एक ऊंचाई 5 मीटर है, तो दीवार पर 10 रुपया पर मीटर स्क्वायर दर से पेंट करना है, तो कुल खर्च कितना होगा, कुल व्यय कितना होगा ये पूछा गया है। यानी कि एक कमरा है, इस कमरे में जो चौड़ाई है ये चौड़ाई वाला पोर्शन 6 मीटर है, लंबाई जो है इस कमरे की जो लंबाई है वो 10 मीटर है और ऊंचाई 5 मीटर है, तो इसकी क्षेत्रफल क्या होगा? तो हम लिख सकते हैं दीवार की क्षेत्रफल, चार दीवार की पेंट करना होगा, चार दीवार को क्षेत्रफल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, यानी कि 2 इंटू लंबाई इसका 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है इसका 5 सेंटीमीटर है, यानी कि 16 इंटू 2 2 इंटू 16 इंटू 5 16 32 इंटू 5 5 दुगुने 10 और ये हो गया 3 5 15 150। 32 होगा तो 5 दुगुने 10 हफ्ते का 116 160 रुपये 160 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल इसका 160 वर्ग मीटर है और पर वर्ग मीटर में 10 रुपया खर्चा है, तो हम 160 से तो टोटल खर्च होगा 160 इंटू 10 यानी कि 1600 रुपया, 1600 रुपया खर्चा ऑप्शन सी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 टू द पावर 4 इंटू 9 टू द पावर 4 का मान क्या होगा? अगर बीच में गुना हो, दोनों तरफ बेस एक हो, तो क्या होता है, पावर हमेशा जुड़ जाता है। हमें पता है ए टू द पावर एन इंटू ए टू द पावर एन होगा तो पावर सब हमेशा जुड़ता है, ए टू द पावर एन प्लस एन। तो उसी प्रकार अगर पूछा गया इसका मान क्या है तो 9 टू दी पावर 4 प्लस 4 यानी कि 9 टू दी पावर 8 आंसर होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यदि 140 का 30% और 840 का x परसेंट कितना हो तो x का मान क्या है? तो देखते क्या है, जो 140 का मीन्स गुना 30% बराबर 840 का मीन्स गुना x परसेंट कितना है,
तो हमने क्या करना है, ये प्रतिशत प्रतिशत काट देंगे और इस जीरो, ये जीरो और ये चलो जीरो काट देंगे। अभी 14 के साथ 84 भी कट जाएगा, 5 14 17 7 14 84 सात के साथ कर देते, तो अभी ये रह जाता है 37x = 30। तो 6 14 84 6 होता है, 6 होता है तो 7x हो जाता है, इसको 6x = 30 हो जाता है। तो इसके साथ इसको काटेंगे तो 5 होगा, तो x = 5 ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 3x - 1 = 20 और पूछा गया है x माइनस वन का मान कितना है। तो हमने पहले x का मान निकालेंगे फिर x माइनस वन करेंगे, तो यानी कि 3x = 20 + 1 यानी कि 3x = 21 इसके साथ इसको काटेंगे तो 7, तो x का मान होगा 7। तो अब हम इधर पूछा है x माइनस वन का मान कितना है, तो हम x माइनस अगर 7 होता है 7 - 1 = 6 होगा आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में दे रखा है 12 + 12 + 12 + 12 × 12 × 12 = क्वेश्चन मार्क पूछा है × 48 यानी कि क्वेश्चन मार्क में क्या होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 12 12 12, सभी ब्रैकेट का काम पहले करेंगे तो 4 × 12 होगा 48 × 12 × 12 और इसमें एक जगह पूछा माना x × 48, तो हम ये 48 ये 48 काट देंगे तो x = 12 को 12 से गुना करने से 144। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6/3 = x/4 यानी कि बराबर = x/4, तो x का मान क्या है। तो हम इसको इसके साथ इसको काटेंगे तो ये 2 होगा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे x = 8 होगा, x = 8 इसका आंसर, x का मान 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है x और y का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 3 और 105 है और यदि x + y = 36 है तो 1/x + 1/y का मूल्य क्या होगा। यानी कि दो संख्या दिया है, ये पहला संख्या एक दूसरा संख्या, संख्या दोनों मान दिया है, एक है x है और एक है y है। तो हमें पता है अगर LCM × HCM = पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या, अगर पहले इनका एलसीएम दे रखा है कौन सा महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएम, एचसीएम दे रखा 3 और एलसीएम दे रखा 105 और संख्या दोनों होता है एक्स एंड वाई, एक्स इंटू वाई, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं एक्स वाई इजल टू अगर 105 × 3 और हमें दिया है x + y = 36 ये दे रखा है और पूछा क्या हमें 1/x + 1/y = कितना है। तो हम इसको एलसीएम करेंगे तो एक्स वाई होगा और इधर गुणा करेंगे तो y + x होगा यानी कि x + y होगा, एक ही बात है एक्स वाई, तो x + y = 36 है और एक्स वाई का मान ये दे रखा है 105 × 3 यानी कि अगर हम इसको करेंगे तो 3 12 36 12 होता है और इसके साथ और काटेंगे तो 105 के साथ ये बार 3 से काट जाएगा, 3 से अगर काटेंगे तो 3 3 9 3 5 15 और इसको 3 से काटेंगे तो 3 4 12 4 यानी कि 4/35 इधर ऑप्शन में है पहले ऑप्शन नंबर 1 ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है यदि एक मशीन 420 बोतलें 3 घंटे में भरती है तो 5 घंटे में कितने भरेगी, यानी कि 3 घंटे में 420 बोतल भरती है, 420 बोतल भरती है तो 1 घंटे में कम ही भरेगा, 420/3 यानी कि 3 14 42 140 बोतल भरेगा, 3 घंटे में 420 भरते हैं तो 1 घंटे में कम भरेगा यानी कि 140 बोतल भरेगी। तो पूछा गया 5 घंटे में कितना भरेगी, तो 5 घंटे में 140 × 5
570 700 बोतल बढ़ेगी, यानी कि ऑप्शन सी है इसका आंसर है। मैं सभी क्वेश्चन को करा दिया, मुझे उम्मीद है मेरे चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाया अच्छा लगा होगा। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और शेयर भी कर देना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।